गेहूँ कटने के बाद और जीरी लगने से पहले का जो समय होता है उसमें हम चाहे 10 मशीन चला लें चाहे हम 2 मशीन चला लें। इस सोच से हमने देखा कि क्यों ना हम एक ही मशीन ऐसी बनाए जो 10 मशीनों का मुकाबला कर ले। तो बनाने में लगभग हमें 1 या 1.5 साल लगा भाई। नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स जो कि सोनीपत में स्थित है, सोनीपत गोहाना के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं कि ये एक ट्रैक्टर है, शायद इतना बड़ा ट्रैक्टर आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम इसी ट्रैक्टर की जानकारी लेंगे विक्रम जी से और विनोद जी से, जिन्होंने ये ट्रैक्टर बनाया है। चलिए तो विक्रम जी आइए हमारे पास में, और विनोद जी, ये विक्रम जी हैं और ये विनोद जी हैं जिन्होंने ये ट्रैक्टर बनाया है। अभी मैं इनके पास ही माइक इन्हें दे देता हूँ, ये आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे कि क्या है और इसके बारे में, ट्रैक्टर के बारे में सभी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। तो विक्रम जी, हमें ये बताइए कि ये ट्रैक्टर आपने कब बनाया और इस ट्रैक्टर की खासियत हमें बताइए। सही, हमने 2012 में तैयार किया था। तो इसकी जो मेन पर्पज है इस ट्रैक्टर का, वो है अपना ट्रेंचिंग करना, मतलब पाइपलाइन की खुदाई करना। तो आप जैसे पीछे देख सकते हैं, हमने इसमें पाइपलाइन की मशीन तैयार की है इस पर। तो सर, ये जो ट्रैक्टर आपने बनाया, मतलब कि पाइपलाइन की खुदाई आप वैसे भी कर सकते हैं, इतनी मेहनत इसमें क्यों करी आपने, ये बताइए हमें। तो सर, इसका मेन पर्पस था भाई टाइम की वैल्यू। अच्छा। क्योंकि जो हमारा गेहूँ कटने के बाद और जीरी लगने से पहले का जो समय होता है उसमें हम चाहे 10 मशीन चला लें चाहे हम 2 मशीन चला लें, जितनी भी चले उतनी ही कम रहती हैं। इस सोच से हमने देखा कि क्यों ना हम एक ही मशीन ऐसी बनाए जो 10 मशीनों का मुकाबला कर ले। तो सर, ये बताइए कि इतना बड़ा ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या जो फ्रेम था, फ्रेम आपका था या सारी चीजें आपने जो असेंबल की है, कहाँ कहाँ से, क्या मतलब कि क्या वो था? हमने जैसे पटियाला से, अच्छा, दिल्ली मायापुरी, पठानकोट से, अच्छा, ऐसी चीज इकट्ठी करी है हमने। अच्छा, तो ये इंजन जो है, ये इंजन कौन सा इंजन है? ये इंजन है मिलिट्री गाड़ी में आता है, टाटा क्रॉस गाड़ी में। अच्छा अच्छा। जिसकी हॉर्स पावर है लगभग, वैसे टाटा क्रॉस में होता है 261 HP, लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी हमारे इंडिया की हॉर्स पावर और बाहर की हॉर्स पावर में फर्क होता है, इसलिए 370 HP के लगभग होता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये V8 इंजन है। V8 इंजन है, 8 सिलेंडर। तो सर, इसमें एक बार हमें बता भी दीजिए कैसे कैसे काम करता है, गेयर कहाँ है इसके, या कैसे ये ऑपरेट होता है, वो भी हमें बताइए। इसके का ऑपरेट तो मैं आपको चला के ही दिखा सकता हूँ इसको। ऐसे नहीं, आप वैसे ही बता दीजिए, गेयर कहाँ पे है इसके या क्या है, पावर कहाँ से ऊपर बैठ, अभी बताते हैं। सो देखिए, यहाँ पे इसके मेन गियर्स, तो इसमें 5 गियर्स दिए गए हमने, जिसमें कि हाई लो भी इसी में आ जाता है, इसी लीवर में, और एक रिवर्स गियर भी इसमें ही है। और बाद में अगर बात करें, इसमें एक हमने एक हाई लो और लगाया है ये, ताकि इसकी हम टायर की चाल थोड़ी सी और स्लो कर सकें, और बिकॉज ट्रेंचिंग के लिए हमें थोड़ी सी स्पीड कम चाहिए होती है टायर्स की। और फिर बाद में हम आपको एक गियर और दिखाते हैं इसमें, इसमें जो पीछे चेन की है उसमें ड्राई क्लच लगाई है हमने, ताकि जिससे हम चेन को रोटेट कर सकें। चेन इसकी डायरेक्ट इंजन से कनेक्टेड है, मतलब मेन पावर इंजन की वो सीधा हमने चेन में दी इसकी। और ये इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं चेन को टाइट या लूज करने के लिए पीछे, और अप या डाउन करने के लिए। एंड बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो जैसा कि मेरे चाचा जी ने आपको बताया कि ये इंजन 370 हॉर्स पावर का लगाया गया इसमें, तो जो इसकी मेन पावर है हमें हमने वो दी इसकी चेन में पाइपलाइन की खुदाई के लिए, और जो इसके टायर रोटेट होते हैं वो दी है हमने बेल्ट ड्राइव आगे से, इसकी मतलब यहाँ से दी है, आप देख सकते हैं बेल्ट ड्राइव है ये जो टायर। तो मतलब कि ये आपने ऐसे क्यों करा कि मेन पावर उससे दे दी और ये वाली इससे, अलग अलग पावर आपने क्यों करी इसमें? क्योंकि इसमें हम वो देखो, इससे हम एक इंजन से 2 काम ले रहे हैं। अच्छा। एक तो पीछे चेन चल रही है, अच्छा, खुदाई के लिए, और दूसरा टायर भी साथ में चलाने। तो अगर हम वहीं से देते तो एक ही क्लच थी, अब इसमें 2 क्लच हो गई हैं, जैसे गियर बॉक्स की अलग हो गई और ऊपर हमने ड्राई क्लच लगाई है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हम कोई भी जॉब किसी भी वक्त रोक सकते हैं। जैसे बाई चांस काम चल रहा है पीछे और बाई चांस एकदम चेन रोकनी पड़ गई, तो हम चेन भी रोक सकते हैं, टायर चलते रहेंगे। मतलब तो मतलब कि या आप इसमें, आपके पास ऑप्शन है कि टायर भी चलाते रहिए या आप दोनों साथ में चलाइए या एक चलाइए साथ में। बिल्कुल।
तो इसके बारे में हमें और भी जानकारी दीजिए। डीजल का सर बताइए कि डीजल की खपत कितनी है इसकी, या कितना ये तेल खाता है। दूसरी चीज की मेंटेनेंस का क्या सीन है इसमें, ऐसा तो नहीं है कि मेंटेनेंस ही बहुत ज़्यादा मांगता है ये? नहीं, मेंटेनेंस इतना नहीं है। और रही डीजल की बात, लगभग एक घंटे में 30 लीटर कंज्यूम कर लेता है, एक घंटे में 30 लीटर। तो नॉर्मल ट्रैक्टर कितना करता है अंदाजन? नॉर्मल 5-6 लीटर। तो तेल तो यहाँ पे खपत ज़्यादा है, तो इसका मेन फायदा क्या है इस ट्रैक्टर का, आप हमें ये बताइए सर। अब जैसे हम बैल ले के चलो 50-60 हॉर्स पावर पे हमें मशीन बनाते हैं, वो एक एकड़ का काम करेगा अपना 20-30 मिनट में, ये वही काम 3-4 मिनट में कर देते हैं, तो हमारा समय भी बच रहा है। डीजल तो देखो वही आ जाना, बल्कि उससे कम डीजल लगेगा उसी कार्य करने में, जो कि 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 20 मिनट में करेगा। मेन मतलब कि बचत इसकी जो है वो है कि समय की ज़्यादा बचत है। समय की ज़्यादा बचत है जी, बिल्कुल। तो हमें ये भी बताइए विनोद जी, आप एक बार आ जाइए। जी सर। विनोद जी हमें ये बताइए कि ये ट्रैक्टर बनाने में क्या आपने सोच के बनाया, कैसे दिमाग में आया, क्या एक था दिमाग ऐसा है? टाइम की बचत के लिए बनाया हमने। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत कम होता जा रहा है, जमींदारों के पास समय नहीं है कि भाई हम खेती को ज़्यादा जमीन तक खाली छोड़े, और पैसा ज़्यादा कमाना था हमने। अच्छा अच्छा। तो पैसा कमाने के लिए तो बड़ा जॉब करना पड़ेगा हमें। तो इसे बनाने में कितना समय लगा आपका? इसको बनाने में लगभग हमें 1-1.5 साल लगा भाई। 1-1.5 साल आपको? हाँ, लग गया इसमें। तो पूरा का पूरा जो भी हर चीज फ्रेम से लेके इंजन से लेके हर चीज असेंबल करके, और क्या बनाते समय भी आपको कुछ दिक्कतें महसूस हुई इसे, या परेशानी हुई कि भाई ये पार्ट्स नहीं मिल रहा है? या परेशानी कोई नहीं, क्योंकि पार्ट्स लगभग हमने अपना खुद का बनाया हुआ लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाहर से सिर्फ हमने क्या है जो इसका इंजन हो गया, टायर हो गए। अच्छा अच्छा। जैसे आगे वाला हिस्सा है, अच्छा, ये मिलिट्री का आता है, इसको हमने मॉडिफाई किया, काटा पीटा इसको, छोटा करा। 4-व्हील ड्राइव का था ये आगे वाला, इसको हमने इसका अंदर का जो सारा एक्सल सब कुछ निकाला, इसका ट्यूब, इसका आगे वाला हिस्सा बनाया हमने। तो इसका अंदाजन वजन कितना होगा सर? इसका अंदाजा वजन होगा सर 70 क्विंटल होगा। 70 क्विंटल के अराउंड। और सर अगर ड्राइव में वैसे देखा जाए तो जो स्टेरिंग है मोड़ने में कोई दिक्कत? पावर स्टेरिंग भी दिया गया, मतलब कि सहूलियत होगा पूरा ध्यान रखा। सहूलियत हमने ऐसी कर रखी है भाई साहब, अगर ये बाई दी हुई कहीं इसकी क्लच प्लेट खराब हो सकती है। अच्छा अच्छा। चलते वक्त। अच्छा। तो हमने इसमें जैक जो कुछ नहीं लगाना भाई। अच्छा। ये चारों टायरों पे ही खड़ा होके ठीक हो जाता है। अच्छा। इसको ऐसे जैसे मैंने आप दिखाता हूँ आपको, ये हमारे टायर है, यहाँ से हम खोल देते हैं इसको, इसके अंदर हमारी क्लच होती है। अच्छा अच्छा। इसको ये ट्यूब है, इसके अंदर बाहर दिखा देते हैं इसको, स्लाइडिंग कर देते हैं और यहाँ से क्लच खोलो, इसको रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। यानी कि इसका कोई भी पार्ट आप खोलोगे आपको ये दिक्कत नहीं होगा, हमें पूरी मशीन उतारनी है, इंजन उतारना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बारीकी तरीके से बना रखा है हमने, ये नहीं भाई ये वेल्डिंग गलत कर दी हमने, इसकी ये काट, मतलब पूरा आपने प्लानिंग करके बनाया है। तो सर हमें ये बताइए कि जैसे कि अगर कोई किसी को बनवाना हो ट्रैक्टर है, यही बनवाना है या इससे अलग तरीके का ट्रैक्टर किसी को बनवाना है? जी जी। तो वो बनवा सकता है या ये मिल सकता है या नहीं? मिल सकता सर। तो अगर ऐसे ही ट्रैक्टर बनवाना है क्या यही आप बनवा सकते हैं, ऐसे बड़ा भी अगर मान लीजिए? बड़ा बनाते हैं सर हम। अच्छा। मैंने 10 सिलेंडर 550 HP का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। बाकी हम छोटी मशीनें बनाते हैं। अच्छा। जिसकी कॉस्ट 5.5 लाख रुपये है, बुक में डालने वाली ट्रैक्टर के पीछे अटैचमेंट। तो विनोद जी हमें एक बार अगर किसी किसान भाई को या और किसी को भी ये ट्रैक्टर बनवाना हो या इस तरीके का दूसरा ट्रैक्टर बनवाना हो तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल बता दीजिए एक बार। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी भाई को मशीन बनवाने के लिए संपर्क करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9812-80051 और दूसरा नंबर है मेरा 9812-80610। अच्छा अच्छा। तो विक्रम जी आप अपना भी बता दीजिए, अगर आपसे संपर्क करना हो या आपसे जानकारी तो वो कैसे कर सकता है? तो वैसे आप मेरे को YouTube पर फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है KVB ट्रैक्टर्स। सर जी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और इसकी और भी वीडियोस मिलेंगे आपको, और ऐसी ऐसी और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। तो किसान भाइयों यही थी विनोद जी से और विक्रम जी से हमारी बात, इस ट्रैक्टर के बारे में हमने आपको सभी जानकारी दी।
अगर कोई आपको और भी डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप सर ने जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। तो ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।